वैसे ये जगह सोने वाली नहीं है, चलो बेड पर चल के सो। नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं? नहीं मतलब नहीं। I know नहीं का मतलब नहीं होता। You know what, आला, मैंने सुना था कि बीवी जिंदगी में एक ही मर्तबा 3 दफा हाँ कहती है, उसके बाद सारी जिंदगी हर सवाल का जवाब नाम ही होता। और तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? कुछ नहीं कर रहा, तिनका निकाल रहा हूं। सुबह की झाड़ियां लगेंगे बालों। कपड़े नहीं है मेरे इधर। कहाँ है? नीचे है। दादी के कमरे में? मैं ला दूँ? नहीं। चल फिर तो, फिर तो इसका एक ही हल है, मेरे कपड़े पहन लो और सो जाओ, क्योंकि ऐसे सोने की इजाजत तो नहीं मिलेगी। अब मुझे तुमसे पूछ के सोना पड़ेगा। सुना तो यही है कि बाद अब बीवियां ऐसे ही करती हैं। मैं बीवी नहीं हूं। क्या? बीवी नहीं हूं। हाला, मैं मानता हूं कि अम्मी ने निकाह के पेपर्स फाड़ दिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस वहां रजिस्टर हो चुका है और अब ये साथ जिंदगी भर का है, ये रिश्ता अब आखिरी सांस तक के लिए। रोने वाली क्या बात है? रो क्यों रही हो आला? गॉड, इधर आ, उठ उठ। कम ऑन। हाँ आला, बैठो। आला नहीं आएगी। हमजा, ये इस कमरे में नहीं बैठेगी। मैं अपनी कलाई काट लूंगी। खुदा का वास्ता क्या काट लूंगी? क्या कर रही? इसे कौन जाए? खुदा का वास्ता पहले छोड़े। इसे कौन जाए यहाँ से? हाला प्लीज जाओ। हाला जाओ प्लीज, ये छोड़े। क्या कर रही हैं? हाला, क्या हुआ? ठीक हो? चलो अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ, क्या कहा दोबारा कहो। ताया जान के कहने पर तलाक तो नहीं दे? खबरदार हाला, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से लफ्ज दोबारा निकाला। नहीं आएगा। मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं हाला। लेकिन ताई जान, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? हाँ, सो क्यों रही हो? कुछ वजह तो होगी। वजह है। वही पूछ रहा हूँ, क्या वजह? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई मेरे लिए भी स्टैंड ले सकता है। इसमें भी मेरी गलती है। तो फिर क्यों रो रही हो? हाँ, ओके, रोना बंद। तो इतनी बेचैन क्यों? मुझे कमरे में जाना।
चली जा रहा, अभी सब बैठे हैं। नहीं, मुझे अभी जाना। कोई मसला है? क्या? मैं ट्रिप में खोंचा लग गया। हाँ? खोंचा पंचा लग गया। देखो सब देख लेंगे। बुरी बात है बड़ों की मौजूदगी में सरगोशियां नहीं करते, बुरी बात है। और हमजा ये नीचे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं एक्चुअली, वो हालांकि पहुंचे में खोंचा लग गया तो वो परेशान हो रही। अरे खोंचा कब कैसे लगा? मैं जाऊं? हाँ जाओ बेटा जाओ। मैं पढ़ता। मेरे पीछे बोल, कुछ बोलो, कुछ कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। पसंदीदा काम मुझसे नहीं होगा ये, ओके? अगर तुमने खुला मना कर लो, अगर मुझसे ये बात दोबारा की तो जबान निकाल दूंगा तुम्हारी। And I promise you that. I promise you. और ये गाना बंद। जबाना नहीं, जबाना नहीं, वाना नहीं होगा। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सौग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सौग भी मनाए, फिर सौग भी मनाए। ये अंदर रखने के लिए नहीं था मैंने, मैं भी पहना सकता हूं। चले कहा? नाश्ता लग रहा? तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं, मुझे सुनो, मुझे देखो। हाला के लिए हमजा है, तुम्हें सिर्फ मेरी मानो।
तुम ये हर एक को सफाइयां देने क्यों पहुंच जाती हो? मैं किसी को कोई सफाई नहीं दे रही थी, मैं चाचू से बात करने गई थी, समीर का हाल पूछना था। पूछ लिया हाल? उसने मौका ही नहीं दिया। लेकिन लेकिन चाचू से मैंने बात की, उनको मेरी बात पे यकीन आ गया, उनको उनको समझ आ गया कि मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे समझा, मेरे आंसू पहुंचे। हाला मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम हद से ज्यादा सादा हो या बेवकूफ। अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए अपनी बहती आंखों से तुम्हें वहां से जाने को कहा उन्होंने? चाचू बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बुरा कब कह रहा हूं हाला? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो कुछ होना था ऐसे ही होना था और हो चुका। अब मैं तुम्हें किसी और को सफाइयां देते हुए ना देखूं। चाचू की बदगुमानी नहीं सह सकती, बहुत प्यारे हैं वो मुझे। मैं प्यारा नहीं हूं तुम्हें? कुछ गलत काम है? प्यारा हूं नहीं? 50-50 100 पे कब पहुंचोगी? ना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैं, ना आसान भी नहीं है। क्या मेरा प्यारा होना कि तुम्हारा मानना कि मैं प्यारा हूं? मान तो लिया है, मगर मगर क्या? अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या फजूल बात है? फजूल बात नहीं है, अगर खुशकिस्मत होती तो डैड मुझे ऐसे छोड़कर जाते, अपने से दूर करते कभी ऐसे। ये बात कब भूलोगी आला? कब? एक मिनट में दिल 80 बार धड़कता है और ये बात मुझे 160 बार याद आती है। मेरी जिंदगी में हर बुरी चीज डैडी की मुझे यहां से छोड़ जाने से जुड़ी है और ये तय है। क्या कर रही हूं? यस, क्या हुआ? जनरेटर का इंतजाम हो गया। तो ये घर वाला ले जाते? क्या जनरेटर? हाला मुझे 160 केवी का जनरेटर चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए, एज बिग एज दिस रूम ऑलमोस्ट, जिससे मेरी पूरी फैक्ट्री चल सके। घर का जनरेटर तो सिर्फ पंखे चलाता है। क्या चीज हो तुम? मुझे नहीं पता था, अब पता चल गया। तुम्हें पता दादी ठीक कहती है, निकाह खुशकिस्मती लाता है। मेरे सारे दोस्त भी यही मानते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। खुशकिस्मती के दरवाजे तो मेहनत की चाबी से खुलते हैं। किस्मत मां की दुआ से भी चमकती है बेटा। जो कुछ हूं आपकी दुआओं की वजह से। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की।
मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जाम मोहब्बत जहर आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं। तुम्हें पता ना हाला, तुम बिल्कुल अच्छे झूठ नहीं बोलती हो। अच्छा, मुझे तो सारे कहते हैं कि मैं माहिर हूँ झूठ बोलने। अच्छा, शायद, लेकिन इस वक्त तुम बिल्कुल अच्छा झूठ नहीं बोलती। बताओ खाना क्यों नहीं खाया? वो मुझे वो खाना पसंद नहीं था। और बोलो। मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं खाना आता। इसलिए तुम झूठ बोलती नहीं कि तुम्हें भूख नहीं? झूठ तो ना हुआ, अगर खाना पसंद ही ना हो तो भूख खुद ही उड़ जाती है। अभी भूख लगी? नहीं, पानी पी पी कर पेट भर गया। तो बता, कुछ खाना है? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ताईजान कभी भी मेरी पसंदीदा चीज मेरे पास नहीं रहने देते। और कुछ? अम्मी क्या करती थी, क्या करती है मुझे मत बता। मैं खुद तुम ही बता रही, तुमने पूछा तो मैं पूछूंगी, तो मत बताया करो। हाला मेरी माँ है, वो बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। आई नो बहुत जगह पे गलत होती है, लेकिन मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता यार, माँ है मेरी वो। बहुत बड़ा रुतबा उनका मेरी नजरों में। आई होप तुम मेरी मजबूरी समझोगे। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए
जाके